चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पंचायत भोंडवा के ग्राम शलंगटोला में नलजल की पाइपलाइन फूटी, ग्रामीण है गंदे पानी पीने को मजबूर। तालाब ठेकेदार की लापरवाही से पाइपलाइन फूटी, चार गांव का पेयजल सप्लाई हुआ बंद। ग्राम शलंगटोला में नलजल योजना की पाइपलाइन फूट गई, जिससे ग्रामीणों को अब समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत भोंडवा के अंतर्गत आने वाले ग्राम शलंगटोला दोनी छुई टोला जन्मखार के ग्रामीणों को विगत चार दिनों से पेयजल की सप्लाई बंद होने के कारण ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जहां वे कुआं का गंदा पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि चार दिनों से पेयजल की सप्लाई बंद होने से हमें कुआं झीदिया का पानी पीने को मजबूर होना पड़ा है, जिससे बच्चे बूढ़ों में सर्दी खांसी का असर देखने को मिल रहा है। तालाब में जीर्णोद्धार का कार्य करने वाले ठेकेदार द्वारा जेसीबी मशीन चलाकर पाइपलाइन को तोड़ दिया गया था, परंतु ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन बनाने में टालमटोल करने के कारण पाइपलाइन नहीं बनाया गया, जिस कारण ग्राम की जनता को गंदा पानी पीने में मजबूर होना पड़ा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम पंचायत भोंडवा शलंगटोला। अच्छा, ये आपको नल जल का पानी कब से नहीं मिल रहा है? 5 दिन हो गया। तो आप इन 5 दिनों में कहाँ कहाँ से पानी लाए? हम तो बहुत दूर दूर से लाए पानी, कुआ का पानी लाए। अच्छा, तो पानी पीने योग्य था? नहीं था, कंडला था, लेकिन अब मजबूरी में क्या करेंगे। अच्छा, तो पानी तो लेना ही पड़ता है। अच्छा, पानी क्यों बंद हुआ था? ऐसा कुछ पाइप फोड़ दिए। कौन फोड़े थे पाइप? ठेकेदार, तालाब वाले। अच्छा, तो सुधरवाए नहीं उनने? नहीं तो ये फिर काम में अभी पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है? आज तो पूरा पानी बिल्कुल ऐसा मिला कि कड़ीच था कंदला पानी। अच्छा, तो आप इसकी शिकायत नल जल विभाग से किए नहीं किए? मैं तो बोली थी भैया को, वो वाले भैया को। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोले कि इसको बोलो ठेकेदार को, पाइप ये किया है। अच्छा, तोड़ा है करके। तो बोले आप ठेकेदार को? नहीं बोले ठेकेदार को। बोले क्या बोल रहा ठेकेदार? बन जाएगा बोले। अच्छा, कौन से पद में? कहाँ पे? अच्छा, ये ग्राम पंचायत भोंडवा के शलंगटोला ग्राम में 4 दिन से पानी सप्लाई बंद है, इस संबंध में क्या जानकारी है? हाँ, हमें किसी दिन तुरंत अपन मिल गई थी, पर क्या है, हमने ठेकेदार को बोला कि भैया थोड़ा सा खुदवा दो इसको। बोले हमारी जेसीबी से तोड़िए, जेसीबी को करेगी, ऐसा उनने बोल दिया। किसकी जेसीबी थी? जेसीबी थी बुढ़िया गाँव की। अच्छा, तो काम कौन करा रहा था? काम तो यही करा रहे थे। अच्छा, तो पानी अब कब से इनको मिल पाएगा ग्रामीणों को? पानी कल से मिलना चालू है। उनका कहना है कि पूरा कंदला पानी आता है। हाँ, वो क्या है, पूरे पाइप में इनने पाइप तोड़ा था, उसी दिन हम आए थे कि पाइप पूरा तुरंत बना देंगे कहीं के, मगर ठेकेदार ने इस प्रकार से बोल दिया कि बोले नहीं, हम नहीं कर सकते, जो आया वही काम कर, जेसीबी ने जिसने तोड़ी है वही काम करेगा। कौन ठेकेदार है? ठेकेदार का नाम है ठाकुर, पूरन लाल ऐसा ठाकुर है नाम। उनके द्वारा तोड़वाया गया, तो आज पानी सप्लाई चालू हो जाएगा। आपका परिचय? अच्छा, आपके गांव में कितने दिन से पानी सप्लाई बंद है? 4 दिन। क्यों बंद है? अच्छा, कितने दिन पहले फोड़ा है? 4 दिन पहले फोड़ दिया गया। जब दिन फोड़े उस दिन अवगत कराया ठेकेदार को कि यहाँ से पानी सप्लाई होता है 4-5 गाँव में। हाँ, इसको तुरंत बनाया जाए, तो ठेकेदार के यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। कौन ठेकेदार है? ये है ठेकेदार अपना प्रदीप सिंह, प्रदीप नाम, प्रदेश ठाकुर, प्रदेश ठाकुर। अच्छा, कौन सा काम कर रहा ठेकेदार द्वारा कौन सा काम कराया जा रहा है? ये क्या है, तालाब का काम चालू है, इसमें क्या नहर का काम चालू था, उसी के माध्यम से पाइप छूटा गया। अच्छा, तो पानी सप्लाई कितने गांव को बंद है? यहाँ पे समथिंग 4 गांव। अच्छा, इन 4 दिनों में आपके द्वारा कहाँ से पानी लिया गया पीने योग्य? ये पानी क्या है, अपने अपने घर कुएं हैं, जहाँ कुएं मिला वहीं से पानी लिया गया। अच्छा, कुएं के पानी पिए? बहुत परेशानी उठाया गया 4 दिन। नल जल विभाग से आपने चर्चा किए नहीं किए थे? उन्होंने क्या बोले थे? तो आज जो काम चालू है, आज पाइपलाइन बनाया जा रहा है, तो आज शाम से पानी मिलना प्रारंभ हो जाएगा? नहीं, आज से हो गया तो पाइप चालू। अच्छा,
अभी कौन सा काम चालू है? तो ये डबल से फटने की वजह से थोड़ा लीकेज हो गया था, तो उसको रिपेयरिंग कर दिया गया है, कल से पानी नहीं चालू होगा। परिचय? मैं प्रदेश ठाकुर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर मंडला। अच्छा, ये जो आपके द्वारा सलंग टोला जलाशय का निर्माण कर किया जा रहा है, इसके अंतर्गत जो पानी सप्लाई के पाइप आपके द्वारा तोड़ा गया है, उससे संबंध में क्या कहना चाहते हैं? क्या है सर, यहाँ पर एक्चुअली नहर, तीन चार चेन नहर डैमेज हो गई थी, जो नहर खुदाई कर रहे थे हम लोग जेसीबी के द्वारा, तो जेसीबी वाले को नाले में ना रहा होगा, या गांव वाले भी बहुत से लोग थे यहाँ, उनको बताना था कि भाई यहाँ पाइप लाइन है, भैया आप यहाँ हिसाब से खोदो, तो उनके ना जानकारी होने के कारण शायद जेसीबी से डैमेज हो गई है वो, तो लगभग दो तीन दिन तो बंद रही है, फिर इसके बाद में अपने माध्यम से उसको बनाया गया है और लगभग आज से पानी यानी मिलने लगा। नहीं तो आज से पानी तो नहीं मिल रहा है, मगर चार दिनों में पब्लिक बहुत परेशान रही पानी की। अब पानी भी गिर रहा था हल्का फुल्का भैया, और बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ग्रामीणों का कहना कि भैया आपने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं देखे तो अभी भी नहीं बन पाता भैया। नहीं सर, चार पांच गांव की सप्लाई बंद थी ना। नहीं ठीक, फिर वो क्या है, अब सामान अरेंज करने में टाइम लगा, बालाला घाट से शायद कपलिंग अपलिंग या पाइप वाइप की व्यवस्था करने में थोड़ा सा टाइम लगा, इस वजह से मिले। नहीं, जल निगम वाले को कहना है कार्यकर्ताओं को कि भाई आपके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। मेरा मानना तो ये है कि जिस दिन से पाइप लाइन टूटी उसी दिन से मैं प्रयास कर रहा था कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। उनके मैकेनिक तो अभी जानकारी दिया कि भाई आपके द्वारा ही लेट लतीफी की गई है। नहीं, लगभग मेरे तो एक दिन टूटी है, उसी दूसरे दिन से मैं प्रयास कर रहा था कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए, और उसी दिन से मेरी बात हो रही थी विभागों से कि ये जल्दी से जल्दी बना। क्या नाम है आपका? सुबह मेरे। अच्छा, यहाँ कौन सा काम चालू है? यहाँ पे तालाब का काम चालू, ठेकेदार द्वारा जो हमारी पाइपलाइन को तोड़ा है। अच्छा, 160 mm के पाइप था, 7 meter क्षतिग्रस्त किया है। अच्छा, कब तोड़े हैं ये? तोड़े हैं 5-6 days हो गया। कितने गांव की सप्लाई बन रही है? यहाँ से 4 गांव की सप्लाई बन। कौन कौन सा गांव की पानी सप्लाई बन? सुई टोला, सलंग टोला और दोनों। तो कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ पे करीब करीब आते हैं 600-700 परिवार। परिवार को पानी कब से नहीं मिल रहा? 4-5 days हो गए। अच्छा, तो ये काम आज आप किसके द्वारा कर रहे हैं? ये हम कंपनी द्वारा ही कर रहे हैं। कल इससे पहले लेवर लगाया गया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, फिर से 4 meter पहले पे पाइप टूटी हुई थी। तो अब कौन करवा रहा है? हम लोग करवा रहे हैं इसे। ठेकेदार क्या बोला? ठेकेदार बोल रहा है कि कर देंगे बोल रहा था वो। अच्छा, और बोले जो भी होगा तो लेबर दे देंगे बोले, तो लेबर दिए थे 2000 रुपये से। अच्छा, इसलिए आज आप जोड़ रहे हैं जी। तो 4 दिन तक जनता कहाँ के पानी पी? कुएं का पानी पी। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।